फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कल से मैं स्कूल जाऊंगा। आप खुश हो बीबी स्कूल जाने से? हाँ। कौन कौन मिलेगा आपको स्कूल में? बहुत सारे। इस पे बैठोगे आप राइडर पे? हाँ। आप मस्ती करोगे वहाँ पे? हाँ। तो रुद्रिका फाइनली स्कूल में एडमिशन हो गया है, तो ये गुड न्यूज है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वैसे तो आप लोगों को टाइटल देख के ही पता लग गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन सी गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ। तो रुद्रिका फाइनली लॉन्ग टाइम बाद में स्कूल सिलेक्शन हो गया। वैसे तो जैन में करवाना था, बट तब ये 2 साल का हो रहा था तो इसको स्कूल एडमिशन नहीं मिला था उस टाइम पे। एंड जुलाई अगस्त में मैं थी नहीं यहाँ पे, तो करवा नहीं सकी। अब सितंबर में जाके मैंने इसका स्कूल एडमिशन करवाया है। एंड वहां से इसको ये क्या मिला है आपको? ये बहुत एक्साइटेड है अपने बैग को लेके। एंड इसका जो एडमिशन हुआ है वो अभी नर्सरी में हुआ है, मैंने प्ले स्कूल में इसको एडमिशन नहीं करवाया। तो वहां से कुछ बुक्स मिली है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सी बुक्स मिली है। इसको ये काउंटिंग वाली बुक्स अभी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। जब से इसको ये बुक मिली है ना, तब से काउंटिंग करने में लग रहा है। आपको पूरी काउंटिंग करके भी बताएगा ये। इसको काउंटिंग करना भी आता है। एंड ये इसको कुछ बुक्स मिली है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन कौन सी बुक्स मिली है। ये है फन विथ नंबर्स, नंबर्स की जिसमें काउंटिंग है, इस टाइप की बुक है ये। तो अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आने वाला टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं रुद्र को कैसे काउंटिंग करना सिखाती हूँ। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो काउंटिंग की बुक्स है जिसमें 50 तक काउंटिंग दे रखी है। ये इंग्लिश की बुक है एबीसी अल्फाबेट्स है जिसमें, तो ये इस टाइप की बुक्स है, बिग बिग लेटर्स में अल्फाबेट्स लिखे हुए विद इमेज के साथ इसमें अल्फाबेट्स है। वन बुक कलरिंग बुक है, इसमें ये कलर्स करेगा। अभी वहां स्कूल जाके करते ना कृष्णा, यहाँ पे नहीं करते। तो ये कलर्स की बुक है, ये पिक्चर इमेज है जिसमें पिक्चर्स हैं, फ्रूट नेम है, वेजिटेबल्स नेम है, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स। तो इसमें सारे पिक्चर्स इमेज है जिसके थ्रू आप बच्चों को चीजें आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हो। अभी एंड एक और बुक है ब्लॉपर राइटिंग, इसमें ये पैटर्न बनाना राइटिंग करना सीखेगा। जैसे कि आप जानते बच्चों को राइटिंग करना सिखाना कितना डिफिकल्ट है, तो इस बुक के थ्रू इसको शायद राइटिंग करना सिखाया जाएगा। तो ये मिली है, बहुत सारी बुक मिल गई यार नर्सरी के बच्चों के अकॉर्डिंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ बच्चे, नर्सरी का बच्चा जो भी 2.5 साल का है उसको इतना कुछ सिखाना पड़ेगा क्या यार? इतना हमारे टाइम में तो ऐसा लगता है इतने बुक्स हम पढ़ते थे क्यों, याद ही नहीं है। ये राइम्स की बुक है जिसमें ऑल राइम्स है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, काफी सारी है, आगे इंग्लिश में पीछे हिंदी में है। एंड लास्ट बुक है इसकी खेल खेल में अक्सर गान ए, जो कि सिखाया जाता था ऐसे अनार आ से आम, ई से इमली। किस किस को याद है सब कुछ? कैसे कबूतर, कैसे खरगोश जो हम लोग बोलते थे। हाँ बेटा फिर आ रहे बेटा। एंड ये इसकी नोटबुक मिली है जिसमें इसको प्रैक्टिस करना होगा, ये वाली, ये वाली मिली है। एंड ये इसकी फाइनली डायरी है जिसमें इसका ये सारी बुक्स होंगी। तो प्रश्ना बैठे हो बेटा, सो जाओगे तो रोई तुम रोई रोई थोड़ी ना करोगे आज की तरह। क्यों बेटा, क्यों रोए थे आज अब स्कूल में? आंटी आई थी, मम्मा को बोल रही थी आप चले जाओ, इसलिए आप रोए थे? तो स्कूल में तो छोटे बच्चे जाते ना, मम्मा थोड़ी ना जाती है। और आप बिलीव नहीं करोगे आज इसको स्कूल के अंदर हम लेके जा रहे थे जो मैम थी, तो मुझे लगा इसका फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा, फर्स्ट डे तो क्या एडमिशन हुआ था, थोड़ा बहुत ही जाएगा देखेगा आज क्या है, तो कल से स्कूल में मुझे कोऑपरेट करेगा जो मैं कल से छोड़ने जाऊंगी। बट यार इसने जो रोना स्टार्ट किया ना, इतना ज्यादा रो रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कल कैसे छोड़ के आऊंगी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कल मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इसको छोड़ने जाना, और उस मोमेंट को देखना जब बच्चे रोते हैं यार, उस वक्त छोड़ा ही नहीं जाता। ऐसा लग रहा था बस मैं खुद ही पढ़ा लूँ इसको, स्कूल ही नहीं भेजूँ। बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना, बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ता है क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ होती है वहां पे, उनका डेवलपमेंट होता है। ये चीजें आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो पहले मैं सुलाती हूँ, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगी।
सोना नहीं है क्या आपको? अच्छा जी, आजकल क्या है कि बच्चे बड़े हो गए ना, खेलना ज़्यादा पसंद आता है, सोना थोड़ा कम पसंद आता है। बट मैं थोड़ी सी अगर मेहनत करती हूँ इसे सुलाने के लिए, जैसे कि माहौल बनाती हूँ, लाइट ऑफ करती हूँ, इसके साथ लेट जाती हूँ ना, तो ये सो जाता है, अदरवाइज ये नहीं सोता। अगर मैं इसे नहीं सुलाऊंगी तो कृष्णा को सुलाने से पहले मैंने क्या किया था कि कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे कि जब तक मैं इसे सुलाऊंगी तो कपड़े जब तक धुल जाएंगे। तो क्या है, इसको सुलाते सुलाते बहुत बार मैं भी सो जाती, तो मेरा 5-10 मिनट का रेस्ट हो जाता है। कभी लॉन्ग भी हो जाता है तो कभी शॉर्ट भी हो जाता है। वैसे तो मैं इस टाइम पर अपनी एडिटिंग ज़्यादा करती हूँ, बट कभी कभी ये टाइम ले लेता है ना सोने में, तो मैं सो जाती हूँ। तो अभी जगने के बाद में मैंने यहाँ पे अपने कपड़े सुखा रही हूँ, सारे धुल गए थे तो मैं ऊपर तो नहीं जा रही आज सुखाने के लिए छत पर, तो मैंने यहीं बालकनी में लगा दिए सारे कपड़े, क्योंकि रुद्र के ही अभी बहुत जल्दी सूख जाएंगी, तो यहीं पर मैं सुखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए, अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, साथ के साथ रुद्र के लिए भी दूध गर्म कर लूँगी, क्योंकि उसके जगने के बाद में उसे दूध देती हूँ तो थोड़ा ठंडा हो जाता है जब तक वो जगता है। एंड जगने के बाद में मैं उसे थोड़ी देर स्टडी कराती हूँ। आजकल यानी पर्सनल स्टडी का टाइम होता है, आज मैं इसे कलर करवा रही हूँ क्योंकि बुक में उसे कलर करना था, तो फिर हम लोग कलर करने बैठ गए। ये अभी खेल रहा है और मैं इसके लिए एप्पल कट कर रही हूँ। इस टाइम पे इवनिंग स्नैक में मैं आज इसे एप्पल दे रही हूँ, साथ में मैंने इसको जगने के बाद में मिल्क इसका पिला दिया था। इधर आके बोलो, मम्मा के पास आके बताओ क्या बोल रहे हो। वो पक गया हुआ आया था कुछ बोलने के लिए कि मम्मा भी खाएगी और मैं भी खाऊंगा। देखो बच्चों को कुछ भी खिलाना है ना, अगर वो नहीं खाते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो बच्चे नहीं खाते हैं, तो आपको बच्चों के साथ बैठ के वो चीज खाओ, तो बच्चों को लगता है कि मम्मी पापा भी खा रहे हैं, तो वो सेम चीज वो भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। आ गए आप? कृष्णा एप्पल खाओगी बाबू? लो आपकी एप्पल। आप ही खाओगे तो एप्पल खा रहा था तो मैंने जाके कपड़े देखे, जो कपड़े सूख गए एटलीस्ट मैं उनकी आयरन कर देती हूँ, मेरा थोड़ा टाइम से ही हो जाएगा। और मैं रुद्र का भी ध्यान रखती रहूँगी। क्या होता है कि जब आप घर पे अकेले होते हो, बच्चा भी रहता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम उसका ध्यान रखना होता है, उसके साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करना होता है, वरना क्या होता है या तो या कुछ नुकसान कर देता है या फिर इधर उधर लगने का डर रहता है। तो मुझे इसको भी ध्यान रखना होता है, साथ के साथ अपना काम भी करना होता है। तो जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े काम है ना साथ के साथ फिनिश करना पसंद करती हूँ। अभी मैं मार्केट चली गई थी, थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे थोड़े से सामान लाने थे। उस दिन मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने तो गई थी, पर क्या होता है लिस्ट नहीं बना के जाते ना, तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, वही मेरे साथ हुआ। और कुछ सामान तो ऐसे होते हैं जिनकी नीड आपको रेगुलर बेसिस पे होती है, जैसे कि ब्रेड का पैकेट, में ब्रेड बहुत ज़्यादा यूज में लेती हूँ। और ये अपनी डाइटिंग में मतलब जो अभी कर रहे हैं उसमें भी ब्रेड यूज में लेते, तो वही ब्राउन ब्रेड का पैकेट लिया है, मल्टीग्रेन ब्रेड का पैकेट में लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं पिज्जा एंड पास्ता सॉस लेके आई हूँ, हींग लेके आई हूँ, ये मेरे को पिज्जा खाने का मन कर रहा था तो पिज्जा का जो बेस है वो मैं लेके आई हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी चीनी खत्म हो गई थी तो बस वो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, बस इतना ही लेके आई हूँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं। अभी तो ये रेगुलर जो चीज़ें चाहिए थी वो ही लेके आई हूँ, बीच में रख देती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। बहुत लेट हो गया, रुद्र को सुलाना है। और मैंने मार्केट जाने से पहले भिंडी कट कर दी थी, क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी मार्केट जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम हम सोचते हैं कि 10 मिनट में आ जाएंगे, पर मार्केट जाने के बाद में क्या होता है कि टाइम लग ही जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि मार्केट जब भी जाते हैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। ऐसे में क्या होता है, हम डिनर की प्रिपरेशन पहले से ही करके चले जाते हैं ना, तो टाइम हमारा सेव होता है। आने के बाद में तो टेंशन नहीं होती क्या बनाए क्या बनाए, टाइम इतना ज़्यादा हो गया, बच्चे को भी खिलाना है और सुलाना भी है, तो मैं पूरी तैयारी पहले से ही करके चलती हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल लिया था, उसमें जीरा ऐड किया, अनियन ऐड किए, मिर्ची ओनली मैंने 2 ही ऐड की क्योंकि ज़्यादा तीखी होगी तो रुद्र नहीं खाएगा। वैसे भिंडी के साथ मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड उसमें फिर मैंने हल्दी ऐड की है, धनिया पाउडर ऐड किया है, नमक ऐड किया है एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। हम उसे कुक होने के लिए जब भिंडी बन जाते हैं तब मैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पे अमचूर पाउडर ऐड किया, मुझे अमचूर से भिंडी बहुत टेस्टी लगती है, आप भी ट्राई कीजिए अगर नहीं करते हो तो। और यहाँ पे मेरी भिंडी बन गई है।
खाना मेरा बन गया। रुद्र को खाना डाल के मैंने दे दिया, ये खिला रहे हैं। और इतनी गर्मी हो रखी है ना आपको, मैं क्या बताऊं, पसीने पसीने हो गई, थक गई आज तो मैं। बहुत सारा काम किया आज मैंने। और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी कमेंट करने से, आपके लाइक करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, मुझे कौन कौन देख रहा है, मैं जो बना रही हूँ वो अच्छा बना रही हूँ। तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताया करो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।